कि आने वाली नस्लों के लिए मुस्तकबिल अच्छा हो जाए, नहीं तो हमें क्या जरूरत है, हम तो अपनी खुद मजदूरी करते हैं हम लोग। लेकिन मुल्क के मुस्तकबिल के लिए इमरान खान साहब के साथ चले हैं कि वो हमारे एक सच्चे लीडर नजर आए हमें। किसी चीज की उनको कमी नहीं थी, उन्होंने सब चीज को छोड़ कर हमारे लिए उन्होंने वक्त निकाला और हमारे लिए ये तहरीक चलाई है, और इस तहरीक में हम उनके साथ हर कदम पे चलेंगे, चाहे हमारी जान भी चली जाए, क्यों हमारा मुस्तकबिल महफूज हो जाएगा। इसलिए हम आज भी उनके साथ खड़े थे, कल भी खड़े रहेंगे और जब तक वो कहेंगे हम खड़े रहेंगे। इमरान खान भाई रहीम यार खान से, तो क्या मकसद है यहाँ आपका रावलपिंडी आने का, इतनी दूर से आप यहाँ पर, क्या हकीकी आज़ादी चाहिए? हकीकी आज़ादी चाहिए। तो कितने लोगों ने रहीम यार खान से यहाँ पर शिरकत की है? तकरीबन लाखों की तादाद में है, कम तो नहीं है। तो कैसे देखते हैं इस लॉन्ग मार्च को, आप कामयाब हो गया जाओगे यहाँ से या वापस चले जाओगे? कामयाब हो गया है, होने वाला नहीं है, कामयाब हो गया है। इमरान खान साहब के बारे में क्या कहना चाहते हैं? इमरान खान बहुत अच्छा और नाइस आदमी है, ईमानदार आदमी है, नवाज शरीफ वाला टब्बर सारा ही चोर है। जिंदाबाद। क्या कहते हैं आप इस बारे में? हम सही कहते हैं, नवाज शरीफ चोर है, पूरा खानदान बाहरले मुल्क सेट है, यहाँ पे इमरान खान हक की बात करता है तो साइडलाइन कर देते हैं। हम तो यही चाहते हैं, आजादी चाहते हैं। यहाँ महीने एक महीने तक बैठना पड़ा तो क्या कहेंगे? एक साल तक बैठेंगे, आप तो महीने की बात कर रहे हैं, हम साल तक बैठेंगे। अच्छा, हम साल तक बैठेंगे। उसने जगा दिया पूरी कौम को, किसको रोकोगे? देखो आप लेफ्ट राइट आपको देखो, किसको रोको? बाबों को रोकोगे, सफेद दाढ़ियों वालों को, किस किस को रोकोगे? और ये रुक नहीं सकता है, और हमारी रेड लाइन है खान साहब। राणा सनाउल्लाह के बारे में क्या कहना चाहते? भाई राणा सनाउल्लाह का एक कुत्ता है, वो नवाज शरीफ ने पाला है, मूछों वाला। राणा सनाउल्लाह मुर्दाबाद। राणा सनाउल्लाह मुर्दाबाद। मरियम नवाज के पापा चोर है। मरियम नवाज खुद चोर है। इमरान खान जिंदाबाद। कौन बचाएगा पाकिस्तान? जिला रहीम यार खान से आए हैं, जिला रहीम यार खान के बॉर्डर के पास हमारा घर है, ठीक है, वहाँ से हम आए इंशाल्लाह। ये हमारा खून का एक कतरा भी इमरान खान के लिए हाजिर है, ठीक है, और हमें ये जो यहाँ आने का मकसद है, हमें आजादी चाहिए। हम अमेरिका को नहीं मानते। इमरान खान नहीं, इमरान खान नवाज शरीफ ने कुत्ता पाला। इमरान खान भूत गया, सही लर्न करने का क्या मकसद था उनका? वो तो आवाम के लिए गया था ना, डीजल भी लेने इमरान खान गया तो आवाम के लिए, और की बात करने के वो भी इमरान गया था ना, तो इनको क्या तकलीफ थी, क्या मसला था जो इन्होंने हटा दिया? ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि ये गलत है, ठीक है, हम यहाँ से इलेक्शन की डेट लेकर जाएंगे, जब तक हमारा कैद एक इशारा करेगा हमारा खून भी उसके लिए हाजिर है। खान साहब से मोहब्बत की क्या वजह है, इतनी दूर से यहाँ हजारों लोग आए, आखिर ऐसी क्या वजह है? खान साहब बहुत ही अच्छा और ईमानदार लीडर है हमारा, ठीक है, और इसलिए कि ईमानदार है कि वो एक एक चीज का हिसाब रखता है, एक एक चीज में खड़ा है, हक और सच की बात करता है, एक एक चीज का हिसाब रखता है, उसके पास होता है, ठीक है। इन्होंने तोशा खानम की बात की, लेकिन वो उसने सबूत दिए, सबूत ये बकायदा प्रूफ के साथ दिए, ये नहीं कि प्रूफ के साथ नहीं दिए, ठीक है। वो उनसे तो पूछें जो आपने लेके खा गए हैं, आप तो दें, आप तो कोई प्रूफ दें, एक प्रूफ तो बता दें कि हमने जो एक प्रूफ दिया है, क्यों नहीं देते, ठीक है, वो तो दें ना। हमारा यही एक मकसद है, हमारा कैद जब हमें जो भी कहेगा हम उसके लिए, कब तक यहाँ बैठे रहेंगे? जब हमारे कैद हुक्म आता है उस टाइम तक हम बैठे रहेंगे, कोई मसला नहीं। ये सर, वो क्या कहते हैं आप? वो के एक साल बैठना है बैठे रहे, वो के दो साल बैठना है बैठ रहे, एक दो महीने की बात नहीं कर गए। हम अपने बिस्तरे वगैरह हर सामान लेकर यहाँ आए हैं, हमारी गाड़ी में पड़े हैं।